नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपकी साथ सुमित शर्मा। मुरैना में एक ही परिवार की महिलाओं के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि महिलाओं ने एक दूसरे पर हमला कर दिया, मारपीट कर दी और एक दूसरे को मारती हुई नजर आई। देखते ही देखते पारिवारिक विवाद अखाड़े में तब्दील हो गया। महिलाएं आधे घंटे तक एक दूसरे को जमकर यूं ही मारती रहीं, पीटती रहीं। बाद में मामला थाने तक पहुंचा। इस मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र की सिंगल बस्ती का है, जहां जाट और समाज की महिलाओं में आपस में विवाद हो गया था किसी बात को लेकर। तो एक ही परिवार की महिलाएं आपस में भिड़ गई हैं, किसी बात को लेकर महिलाओं में विवाद हुआ, कहा सुनी हुई, फिर विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट तक की नौबत आ गई। देख सकते हैं तस्वीरों में, चार से पांच महिलाएं एक दूसरे में उलझी हुई, एक दूसरे को मारती हुई पीटती हुई आपको नजर आ जाएंगी। फिर वहां पर बीच बचाव में मामला शांत कराया गया और मामला थाने तक पहुंच गया। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे मुरैना संवाददाता अमित शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, क्या कुछ जानकारी है, किस बात को लेकर विवाद हुआ था? देखिए बिल्कुल सुमित, आपको बता दूं कि पारिवारिक विवाद को लेकर के सिंगल बस्ती कोतवाली थाना क्षेत्र में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि महिलाएं घर से निकल करके सड़क पर आ गई और इस दौरान महिलाएं और बच्चियों में इतना विवाद हुआ कि आधा घंटे तक करीबन ये हाई वोल्टेज ड्रामा चला। इस दौरान गली मोहल्ले के सभी लोग निकल आए और उन्होंने समझाइश दी, जिसके बाद महिलाएं शिकायत लेकर के थाने पहुंची। फिलहाल दोनों पक्षों में राजीनामा हो गया है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये हाई वोल्टेज ड्रामा आधा घंटे तक चला और पारिवारिक विवाद को लेकर के ये हाई वोल्टेज ड्रामा चला, जिसमें जो आस पड़ोस के लोग थे वो भी तमाशबीन बने रहे, लेकिन किसी ने बीच बचाव नहीं किया। जिसके बाद जब बड़े और बुजुर्ग लोग निकल करके घर से बाहर आते हैं, उन्होंने समझाइश दी और उसके बाद ये मामला समाप्त हुआ। सुमित, ठीक है अमित, बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। इंदौर के महू में बाघ ने शिकार किया है। बाघ ने बुजुर्ग चरवाहे का शिकार किया। 200 फीट नीचे खाई में बुजुर्ग का शव मिला है। जंगल में मवेशी चराने के लिए बुजुर्ग पहुंचा हुआ था। वन विभाग ने परिजनों को मदद दी है। परिजनों को तत्काल 25,000 रुपए नकद दिए, 8 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। बाघ के शिकार वाली जगह लगाए जाएंगे ट्रैप कैमरे। इलाके में 24 घंटे मॉनिटरिंग के निर्देश भी दे दिए गए हैं। बाघ के शिकार से अब इलाके में दहशत का माहौल है। बुजुर्ग चरवाहे का शिकार किया बाघ ने। जंगल में मवेशियों को चराने के लिए बुजुर्ग पहुंचा था, तभी बाघ ने बुजुर्ग पर हमला कर दिया। जबलपुर में 2 दिन पहले हुए गोलीकांड में बड़ा खुलासा हुआ। भाजयुमो नेता प्रियांश विश्वकर्मा ने ही अपनी महिला मित्र को गोली मारी थी। घायल युवती ने होश में आने के बाद ये बयान दिया है कि प्रियांश ने ही उसे गोली मारी है। घायल युवती का नाम देविका ठाकुर है, जो 2 दिन पहले धनवंतरी नगर स्थित ऑफिस में जिसको गोली मारी गई थी। गोली किस वजह से मारी गई इसका खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। फिलहाल पुलिस कुछ भी कहने से बचती नजर आ रही है। प्रियांश विश्वकर्मा को लेकर बीजेपी ने एक प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की, जिसमें भाजपा नगर अध्यक्ष प्रभात साहू ने कहा कि प्रियांश ना तो पार्टी का सदस्य है और ना ही किसी पद पर है। तुझे किसने गोली मारी? क्यों मारी? पता नहीं। उसी ने मारी ना गोली? राजधानी भोपाल में हज हाउस की लिफ्ट में हादसा हो गया। 11 लोगों को लिफ्ट तोड़कर बाहर निकाला गया। हज यात्रियों समेत 11 लोगों को बाहर निकाला है। लिफ्ट में 3 पुरुष, 7 महिलाएं और एक बच्ची भी शामिल थी, जो फंस गए थे। लिफ्ट को सुरक्षा के लिहाज से फिलहाल बंद कर दिया है। तो करीब आधे घंटे तक 11 लोग लिफ्ट में फंसे रहे और काफी घबरा गए थे ये लोग जो लिफ्ट में फंसे हुए थे। उसके बाद लिफ्ट से लोगों को बाहर निकाला गया। वहीं मुरैना में तेज रफ्तार यात्री बस पलटी है। बस में सवार 2 लोगों की मौत हो गई, 10 से ज्यादा यात्री घायल हुए। ततिया से सबलगढ़ जा रही थी बस। जौरा थाना क्षेत्र के सिकरौदा के पास की घटना है। जौरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची हुई है और
पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। तो मुरादा में तेज रफ्तार यात्री बस पलट गई। हादसे में दो लोगों की जान चली गई और कई लोग घायल भी हुए। निवाड़ी जिले के गुआवली निवासी ऋषि ठाकुर की पुलिस कर्मियों ने बेरहमी से पिटाई कर दी। पुलिस की बर्बरता के निशान ऋषि ठाकुर के शरीर पर साफ देखे जा सकते हैं। बताया जा रहा कि ऋषि ठाकुर के गांव के ही रहने वाले नीरज से उसका पैसे को लेकर विवाद हुआ था, जिसकी रिपोर्ट नीरज ने टेहकरा थाने में दर्ज कराई थी। 17 जून को टेहकरा पुलिस ऋषि को गांव से उठाकर ले गई और जंगल में ले जाकर जमकर मारपीट की। ऋषि ने 3 पुलिसकर्मियों पर मारपीट के आरोप लगाए हैं। वे कह रहे हैं हमें नहीं आया भाई, सामने वाले से पैसा दे, उसके नहीं आता, कौन मारा यार नेता मेरा, सो मारन लगे भी हमें, मारो नहीं थे पटक लो हमें, लात घुसन से मारो, पिला तो कुछ मारो, ठीक है। फिर आदमी उदिन खड़े थे, उन्होंने अलग अलग करा दो, हम अपने घर चले गए। और जो हमें पता नहीं है तो कब रिपोर्ट डाल रहा है, रिपोर्ट डाल रहा है टेरिका थाने, हमें पता नहीं है, हम अपने कार्यक्रम को दिखवा रहे थे यज्ञ को। ऋषि सिंह ठाकुर ये निवासी गोवावली का है, इसके खिलाफ 2 रिपोर्टें आ गई थी, एक 8 से 10 दिन पहले एक रिपोर्ट आई थी और एक परसों आई थी जी। परसों आई थी तो उसमें हमारी पुलिस गई थी टेहरका पुलिस, वहाँ इसको पकड़ के लाए हैं, लेकिन उसके चोटे वोटे जो कहीं दिखाई है उसमें, तो उसकी जांच कर रहे हैं और प्रथम दृष्टया उसमें 3 पुलिस वालों के नाम आए हैं जिनने मारा है। एक प्रमोद अटल है, कुलदीप रावत है आरक्षक, और ये मनोज शर्मा है जी। तो इनको तत्काल प्रभाव से हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय ने उनको थाने से हटा दिया है, लाइन अटैच कर दिया है। वहीं उज्जैन शहर अध्यक्ष रवि भदौरिया को हटाया गया है। वायरल ऑडियो के मामले में पीसीसी ने कार्रवाई की। आपत्तिजनक दावे करने पर 3 दिन में जवाब मांगा है। नोटिस का जवाब आने से पहले ही हटाया गया है भदौरिया को। उज्जैन से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां उज्जैन शहर अध्यक्ष रवि भदौरिया को हटा दिया गया। वायरल ऑडियो के मामले में पीसीसी ने कार्रवाई की है। आपत्तिजनक दावे करने पर 3 दिन में जवाब मांगा गया था, लेकिन नोटिस का जवाब आने से पहले ही भदौरिया हटा दिया गया। मुरैना जिले के अंबा थाना क्षेत्र में हॉरर किलिंग का खुलासा हुआ। मामला बालूपुरा गांव का है, जहां एक युवती के परिजनों ने अपनी बेटी और उसके प्रेमी की हत्या कर दी और दोनों के शव को चंबल नदी में फेंक दिया। इस बात का खुलासा पुलिस की जांच में हुआ है। गौरतलब है कि 3 जून को अंबा थाना क्षेत्र के रतनप बसई गांव से एक युवती और युवक लापता हो गए थे, जिसकी शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी। युवक के परिजनों ने युवती के परिजनों पर संदेह जताया है। पूछताछ में युवती के पिता राजपाल सिंह तोमर ने अपना गुनाह कबूल कर दिया। लड़की के पिता राजपाल सिंह तोमर ने ये स्वीकार किया है कि उन्होंने लड़की और जो लड़की है वो लड़का है, दोनों को उन्होंने देख लिया था और पकड़ लिया था और फिर उनको जो है उनको जो उनकी हत्या कर नदी में सब फेंक दिया है। तो आज जो है उनकी जो है इसकी तस्दीक हेतु मुरैना से SDRF की टीम जो है उसमें नदी में उसकी सबकी जो है पतरसी की जा रही है। पटना पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिससे 23 चोरियों का खुलासा हुआ। आरोपियों के पास से पुलिस ने 2 देसी कट्टे, कारतूस, कटर और कैश बरामद किए हैं। जिन 23 चोरियों का खुलासा हुआ है वो अजयगढ़ थाना क्षेत्र में ही हुई। मामले का खुलासा करते हुए SP ने बताया कि इन्होंने छतरपुर, सतना, महोबा, झांसी और UP में और नोएडा सहित अलग अलग जगहों पर 66 चोरियों की वारदातों को अंजाम दिया था। कुछ लोगों को डकैती की योजना बनाते हुए पकड़ा है, जो कि एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के प्रतिष्ठान पे डकैती की योजना बना रहे थे। जब इन व्यक्तियों को पुलिस ने अभी अपनी अभिरक्षा में लेकर कड़ी पूछताछ की, तो पन्ना जिले के अजयगढ़, धर्मपुर, ब्रजपुर, पन्ना कोतवाली और विभिन्न क्षेत्रों की करीब 15 प्रकरणों की कुल 23 चोरियाँ, जिसमें करीब 6 लाख से ज़्यादा का सोना चांदी के आभूषण और एक ट्रैक्टर, तो कुल 12 लाख से ज़्यादा का मसरू का पन्ना पुलिस ने इन चोरों से बरामद किया। मध्य प्रदेश के साथ साथ उत्तर प्रदेश के भी विभिन्न क्षेत्रों में आपराधिक प्रकरण हैं और पूर्व में भी इस प्रकार की घटनाओं में शामिल रहे हैं।
रीवा जिला मुख्यालय से महज 13 किलोमीटर दूर सगरा में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की अवस्थाएं देखने को मिली, जहां एक शख्स आम तोड़ते वक्त पेड़ से गिर जाता है, जिससे उसके हाथ पैर में कई जगह फ्रैक्चर हो जाते हैं। ग्रामीणों ने एम्बुलेंस के लिए संजय गांधी हॉस्पिटल फोन किया। 2 घंटे तक पीड़ित दर्द से तड़पता रहा, लेकिन एम्बुलेंस नहीं आई, जिसके बाद थक हार कर ग्रामीणों ने मरीज को चारपाई पर लिटाया और संजय गांधी अस्पताल पहुंच गए, जिसके बाद उसका उपचार शुरू हुआ। उधर एम्बुलेंस नहीं पहुंचने के मुद्दे पर स्वास्थ्य विभाग के संबंधित अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। जी पहले 108 का फोन है नहीं लाग, फिर एक बार फोन लाग तो 2 घंटा इंतजार कर रहे हैं, नहीं आई तो फिर अपने से ही प्राइवेट वाहन देखे खटिया में लाद के लिए आवे पड़ा। क्या घटना क्या हुई थी? आम के पेड़ से गिर पड़े सर। कितने समय तक आपको इंतजार करना पड़ा एम्बुलेंस का? 2 घंटा फिर भी नहीं आई। जी एक पहले लगी नहीं रहा था, फिर लाग तो कुछ कट गया फोन है। कहां से लेके आए, ये सथिनी सगरा। ग्वालियर से खबर है, जहां युवक और उसकी नाबालिग प्रेमिका ने जहर खा लिया। युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई, युवती खतरे से बाहर बताई जा रही है। अपहरण के आरोपी युवक की जहर खाने से मौत हुई है। नाबालिग लड़की की हालत खतरे से बाहर है, 20 दिन से घर छोड़कर अलग रह रहा था ये प्रेमी जोड़ा। परिजनों ने युवक के खिलाफ केस दर्ज कराया था। अपहरण का गरवाई थाना क्षेत्र के वीरपुर की पूरी घटना। जहर खा लिया है और हॉस्पिटल में लाते हुए खत्म हो गया है, तो वो खत्म हो गया है कुछ वर्ष में। वो लड़की हालत सही है, बच्चे की नाबालिग की सही हालत है, बच जाएगी। लड़की ने भी खाया था? हाँ, अभी उन्होंने बजाना उसने भी खाया है, चूहे मारनी दवा है वो खाई हुई है। लड़की हालत सही है। लड़की ने क्यों खाई? राजधानी भोपाल मजार माफिया के हौसले बुलंद है। एक दिन पहले ही प्रशासन ने तोड़ी थी अवैध मजारें, आज फिर कुछ मजारों पर रंग रोगन कर दिया गया। कलियासो डैम के आसपास मजारें कई मजारें बनी हुई हैं, अवैध डेयरी बनाकर गौपालन भी किया जा रहा है। न्यूज 18 की पड़ताल में अवैध मजारें देखी गई। तरफ अगर बात करें तो अवैध रूप से मजार का निर्माण कर दिया गया। आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर एक नई मजार है जो आपको पेड़ के पास नजर आ रही है। उसके आसपास का पूरा एरिया कवर कर दिया गया। दूसरी तरफ ये डैम का मुहाना है, इस तरफ डैम है और डैम में बड़े पैमाने पर मगरमच्छ भी है। और अगर बात करें तो डैम की प्राकृतिक सौंदर्य है कि इसके आसपास सरकारी जो है बाउंड्री वॉल कर दी गई है, मगर बावजूद उसके यहाँ पर निर्माण भी जारी है। एक ये मजार आपको बीच में नजर आ रही होगी, वो मजार भी आपको दिख रही होगी। इसके अलावा वहाँ पर अवैध रूप से डेयरियाँ भी कई सारी बना दी गई हैं जो डैम के किनारे पर बना दी गई हैं। तो यहाँ पर डेयरियाँ भी बड़े पैमाने पर बना दी गई हैं और इन पर पशुपालन भी किया जा रहा है, मगर प्रशासन की नाक के नीचे सब कुछ हो रहा है। क्या उन्हें नजर नहीं आता है कि डैम के आसपास ही बड़े पैमाने पर कब्जा हो रहा है? ये मजार रातों रात नहीं बनाई गई है, क्योंकि ऐसी मजारें दर्जन भर से ज्यादा डैम क्षेत्र में बना दी गई हैं। इनके पीछे कौन माफिया है और इन डेयरी विस्थापन के पीछे भी कौन लोग हैं, इन पर भी कार्रवाई होना चाहिए। क्योंकि हमने जब पड़ताल में देखा तो यहाँ पर तकरीबन 1 दर्जन के लगभग मजारे बना दी गई हैं और साथ ही मजारों के साथ साथ अवैध रूप से यहाँ पर डेयरी भी बना दी गई हैं। अब इन पर कब कार्रवाई हो पाती है ये देखने वाली बात है। कैमरा पर्सन अजय तवर के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज 18 भोपाल। वही देवास में इंदौर भोपाल रोड के ग्रीन बेल्ट पर बने एक ढाबे पर प्रशासन ने कार्रवाई की और उसके एक हिस्से को गिरा दिया। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही इस ढाबे से सेक्स रैकेट में लिप्त 18 युवक युवतियों को पुलिस ने धर दबोचा था और आज प्रशासन ने JCB चलाकर ढाबे को तोड़ने की कार्रवाई की। टेम्परेरी कंस्ट्रक्शन अलाउड होते हैं, बट वो वायोलेशन किया गया है। आपने ये भी देखा होगा कि कुछ दिनों पहले कुछ यहाँ पे ये पाया गया है कि कुछ अवैधानिक गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है, जिसमें कि पुलिस ने इसमें कार्रवाई की है। इस सारी परिस्थितियों को देखते हुए आज पुलिस प्रशासन और नगर निगम की टीम के द्वारा संयुक्त कार्रवाई की गई, जिसमें कि होटल लेक प्रिंसेस के नाम से, प्रिंसेस पैलेस के नाम से होटल का संचालन होता था, इसको ध्वस्त किया गया है। जबलपुर में बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री की कथा में शामिल हथनी चंचल की मौत हो गई। लंबे समय से इसका इलाज चल रहा था लेकिन इसे बचाया नहीं जा सका। करीब 2 महीने से 51 वर्षीय हथनी चंचल बीमार चल रही थी। हथनी के महावत ने बताया कि मार्च में पनागर में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा में शामिल होने के लिए वो चंचल को छतरपुर से यहां लाए थे। कथा समाप्त होने के बाद वो कुछ दिन यहां रहे और फिर वापस लौट गए, लेकिन रास्ते में ही चंचल को यूरिन के साथ खून आने लगा,
जिसके बाद डॉक्टर्स ने उसका इलाज शुरू किया लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। उमरिया के बांधाकोट टाइगर रिजर्व में जंगल से गुजर रहे एक दंपति पर बाघ ने हमला